हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है हमारी सेकेंड सेमेस्टर की क्लास, जो हमारा डिप्लोमा है डीसी और पीजीडी से, उसके अंतर्गत की हमारी सेकेंड क्लास। ठीक है, तो मैं आपकी आज की क्लास जो है वो स्टार्ट करने से पहले आपको आपके सब्जेक्ट्स के बारे में बता देती हूँ कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारा आईटी ट्रेनिंग। डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसके हमारे चार सब्जेक्ट्स हमें यहाँ पर दिए हुए हैं। आईटी ट्रेंड्स के अंतर्गत हमारा जो भी ट्रेंड चल रहा है, आईटी मतलब की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ट्रेंड्स मतलब की जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, तो इस सब्जेक्ट के अंतर्गत हमें वही इंफॉर्मेशन दी हुई है। इसके बाद सेकेंड सब्जेक्ट है हमारा इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में हमें यहाँ पर इंटरनेट की कौन कौन सी फैसिलिटीज होती है, उसमें हम खुद के वेब पेजेस कैसे डिजाइन कर सकते हैं, उन्हें कैसे यूज कर सकते हैं, वेबसाइट अगर आपने बना ली है कोई तो उसको पब्लिश कैसे करना है, ये सारी चीजें जो है वो हम इंटरनेट जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें हम सीखेंगे। थर्ड सब्जेक्ट है आपका टैली, और इसको मैं अगर पूरा इसका पूरा नाम लूं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग विथ टैली। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको अकाउंटिंग, जैसा कि यहाँ पे नाम आया हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से यहाँ पर मतलब होता है कि आपका जो लेखांकन का कार्य है, जो अकाउंटिंग का कार्य है, वो आप टैली सॉफ्टवेयर की हेल्प से कैसे कर सकते हो, वो हमें हमारे इस सब्जेक्ट में सिखाया जाएगा। फिर फोर्थ सब्जेक्ट इसमें है आपका ASP.NET। ये आपका ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से आप वेब पेजेस या प्रोजेक्ट्स जो है वो डिजाइन करना सीख सकते हैं। इसी से रिलेटेड जो हमारा एक और हमने फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट पढ़ा था BP.NET, वो भी हमारा प्रोजेक्ट डिजाइनिंग के लिए यूज किया जाता है, और ASP.NET जो है हमारा वो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये भी हमारे प्रोजेक्ट डिजाइनिंग के लिए ही यूज किया जाता है। तो ये थे हमारे PGDCA के चारों सब्जेक्ट्स। अब नेक्स्ट है हमारे DCA के चारों सब्जेक्ट, DCA में हमारे तीन सब्जेक्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका यहां पर आईटी, सेकेंड सब्जेक्ट इंटरनेट, थर्ड सब्जेक्ट इसमें रहेगा हमारा DBP। ठीक है, तो इसके सब्जेक्ट्स की अगर हम डिटेलिंग की बात करें तो आईटी ट्रेंड्स और इंटरनेट जो है उनकी डिटेल्स हमने हमारे जो PGDCA के सब्जेक्ट्स है उनमें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी। अब थर्ड है यहाँ पर DPP, और जिसका कि फुल फॉर्म होता है डेस्कटॉप पब्लिकेशन। डेस्कटॉप पब्लिकेशन जो है वो सॉफ्टवेयर्स की कैटेगरी के एक अलग टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जहाँ पर हम अपने उन सॉफ्टवेयर्स को रखते हैं जिनकी हेल्प से हम डिजाइनिंग का बेहतर कार्य कर सकते हैं और अपनी फाइल्स को जो है वो और भी बेहतर तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें DTP मतलब डेस्कटॉप पब्लिकेशन के बेसिक्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा अगर इस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल की बात करें तो इस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल के लिए आप लोगों को पेज मेकर और फोटोशॉप, ये दो सॉफ्टवेयर जो है वो आपको आपके DTP सब्जेक्ट के अंतर्गत दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा ओवरव्यू था PGDCA सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स, DCA सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स का और PGDCA सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स का। ठीक है, अब हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं, और हमारी जो क्लास है वो है इंटरनेट। इंटरनेट एंड ई कॉमर्स, ई
और PGDCA के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके सब्जेक्ट का नाम है इंटरनेट एंड वेब पेज डिजाइन। ये हमारे DCA और PGDCA के दोनों सब्जेक्ट्स के नाम है। ऊपर वाला जो सब्जेक्ट का नाम है वो हमारा DCA के स्टूडेंट्स के लिए और नीचे वाला जो है वो हमारा PGDCA के स्टूडेंट्स के लिए। दोनों का ही सिलेबस के जो अगर टॉपिक्स की मैं बात करूं तो सिलेबस के टॉपिक्स हमारे थोड़े अलग हैं, सिमिलर नहीं है, लेकिन कुछ कुछ टॉपिक्स हमारे सिमिलर हैं और कुछ टॉपिक्स सिमिलर नहीं है। तो हमारी क्लास में हम दोनों ही जो हमारे डिप्लोमा कोर्सेज हैं उनके सब्जेक्ट्स के सभी टॉपिक्स को हम कवर अप करते हुए यहाँ पर चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर इंटरनेट की हम बात करें तो इंटरनेट जो है वो हमारा आज के युग में बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि हम सबको उसकी आदत हो गई है। हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर सर्च करनी होती है तो हम सबसे पहले अपना मोबाइल उठाते हैं, उसमें गूगल सर्च कर गूगल ओपन करते हैं और जो भी चीज़ हमें चाहिए होगी वो हम गूगल पर सर्च कर लेते हैं। तो अगर हम इंटरनेट की बात करें कि इंटरनेट शुरू कहाँ से हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसे हम आजकल इतनी आसानी से कैसे यूज़ कर लेते हैं, जैसे कंप्यूटर के साथ है वैसा ही इंटरनेट के साथ भी है कि पहले के टाइम पर जो हमारे पास जो भी नेटवर्क था उस पर काम करना बहुत कठिन होता था, बहुत कॉम्प्लेक्स होता था, उसको हम इतनी आसानी से यूज़ नहीं कर पाते थे। उस नेटवर्किंग के क्षेत्र में भी कई सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं और उन सारे डेवलपमेंट्स के होने के बाद हमारे पास आज का जो हमारा इंटरनेट है ये हमारे सामने अवेलेबल है जिसको हम यूज़ कर पाते हैं, और इसको यूज़ करना इतना डिफिकल्ट भी नहीं होता है, कोई भी इसे आसानी से यूज़ करना सीख सकता है, ठीक है। तो इंटरनेट को आज हम इतना ईजीली यूज़ कर पा रहे हैं, इसमें टिम बर्नर्स ली जो है हमारे उनका बहुत बड़ा योगदान है। इंटरनेट पर कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उसमें सबसे पहले ऑटोमेटिकली ये लग जाता है। अगर हम लगाते हैं तो ठीक है, और अगर हम नहीं लगाते हैं तो ये उसमें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। तो इसका आविष्कार, और इसको हम शॉर्ट में W3 भी बोल सकते हैं क्योंकि इसमें W3 बार यूज किया गया है तो इसलिए इसे W3 भी कहा जाता है। तो इसका जो आविष्कार है वो टिम बर्नर ली ने किया था, और जब टिम बर्नर ली ने इसका आविष्कार किया इसके बाद ही हम इंटरनेट को इजीली यूज़ कर पाए, नहीं तो इससे पहले इंटरनेट को यूज़ करना बहुत कॉम्प्लेक्स होता था, बहुत कठिन होता था, इसको हर कोई यूज़ नहीं कर पाता था, ठीक है। तो ये तो हुई कि हमारा जो इंटरनेट है उसको हम ईजी कैसे हुआ। अब अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, तो इसकी शुरुआत जो है वो अमेरिका में हुई थी। अमेरिका का जो रक्षा मंत्रालय है उस रक्षा मंत्रालय ने अपने जो भी अधिकारी थे उन तक कोई भी इंफॉर्मेशन पहुँचाने के लिए उन्होंने अपना खुद का एक नेटवर्क जो है वो उन्होंने अपना नेटवर्क डेवलप किया, और उनके डेवलप किए हुए नेटवर्क का नाम था अर्पानेट। उन्होंने अपना ये खुद का नेटवर्क डेवलप किया, और जब उनका ये नेटवर्क उन्होंने टेस्ट किया, फिर उनका नेटवर्क जब सक्सेसफुल हो गया तो उनके उस नेटवर्क के सक्सेसफुल होने के बाद वहाँ की जो और कई सारी कंपनियाँ थी उन कंपनियों ने भी धीरे धीरे करके अपने खुद के पर्सनल नेटवर्क बनाना शुरू किए, और जब वो सारे ही नेटवर्क जो है वो सक्सेसफुल हो गए तो फिर नेटवर्क्स को कंबाइन करके इंटरनेट जो है वो बनाया गया, ठीक है।
तो इस तरह से इंटरनेट की जो है वो शुरुआत हुई। तो अगर हम ये कहें कि इंटरनेट किसी एक नेटवर्क को नहीं कहते हैं, बल्कि इंटरनेट जो है वो कई सारे छोटे छोटे नेटवर्कों से मिलकर बना हुआ है, तो ये हमारा कहना कोई गलत बात नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से इंटरनेट की जो है वो हमारी शुरुआत हुई थी। अब इंटरनेट की प्रक्रिया कैसी होती है या उसकी संरचना कैसी होती है, वो काम कैसे करता है, तो इंटरनेट जो है हमारा वो क्लाइंट सर्वर पर आधारित होता है, क्लाइंट और सर्वर की संरचना पर आधारित होता है। अब क्लाइंट और सर्वर की संरचना के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि दी चीजें होती क्या है। तो क्लाइंट जो है हमारे वो कंप्यूटर या वो उपकरण होते हैं जिनकी हेल्प से आप इंटरनेट पर कुछ ढूंढना चाहते हो, वो कहलाते हैं क्लाइंट। जैसे हमारे मोबाइल फोन्स, हमारे लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर, ये सारे जो कहलाएंगे ये कहलाएंगे क्लाइंट कंप्यूटर। और ये सारी इंफॉर्मेशन जहां से लेकर आएंगे वो कहलाएगा सर्वर कंप्यूटर। सर्वर जो है वो एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और एक बहुत बड़ा कंप्यूटर भी हो सकता है, तो वो कहलाते हैं हमारे सर्वर कंप्यूटर्स। तो जब क्लाइंट की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है सबसे पहले कि ये इंफॉर्मेशन चाहिए, फिर सर्वर से वो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और फिर उससे संबंधित रिजल्ट जो है वो रिस्पॉन्स के रूप में क्लाइंट को प्रदान करता है। तो इस तरह से इंटरनेट जो है वो हमारा कार्य करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारी इंटरनेट की क्लास है जिसमें हमने इंटरनेट के बेसिक्स जो है वो बताए हैं मैंने आपको कि इंटरनेट कैसे काम करता है, कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, ये सारी चीज़ें हमने सीखी हैं। आगे की क्लास में हम इंटरनेट के बारे में और भी कई सारी नई चीज़ें सीखेंगे। और अभी की क्लास के लिए इतना ही, और क्लास से संबंधित अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में बताइएगा। आज की क्लास के लिए इतना ही।